गुड न्यूज़ आ चुकी है अक्षय कुमार की, ये गुड न्यूज़ कितनी अच्छी लगी आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो नया साल आ रहा है और धमाके के साथ आ रहा है 2020, मेरे दर्शक और मेरे चाहने वाले को जो है, और इस चैनल जो भी चैनल का नाम है उसके तरफ से मैं उनको जो है हैप्पी है नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, जो भी है ये लड़की बताएगी। और जो ये गुड न्यूज़, ये मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त है, मूवी में कुछ कमी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त है, मुझे तो मैं लास्ट तक हंसते भी रहा और लास्ट में जब अक्षय कुमार जी रोया तो मैं रो भी दिया, इतना अच्छा एक्टिंग है उनका। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिलजीत ने जो इसमें काम किया है वो काबिले तारीफ है। इनकी जो पहली मूवी जो इसके पहले जो आई थी, मुझे कुछ नहीं लगा था, एकदम फेकू चंद पिक्चर जैसा था, लेकिन इसके अंदर लगता है कि अक्षय कुमार के साथ उन्होंने जो काम किया वो काम के साथ रहते हुए लगता है कि उनको जो है मतलब वो उस तरीके का मतलब वो एक्टिंग इतना ज़बरदस्त एक्टिंग किया उन्हें, तो जैसे लग रहा था कि अक्षय कुमार ने उनका एक्टिंग अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कॉमेडी। लेकिन एक मुझे बात मालूम पड़ा नहीं कि कियारा आडवाणी जो इसके अंदर जो वो दूसरी हीरोइन जो काम की है, जो कि कबीर सिंह में जो काम की थी, उसके अंदर जो है किसिंग का बहुत सीन था, कम से कम 25 से लेकर 50 सीन था, लेकिन इसके अंदर एक भी सीन था। क्योंकि पब्लिक जो है इस मूवी को जो है वो हीरोइन को भी देख करके पब्लिक ये सोच के आएगी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो नहीं है। चलो ठीक है, फैमिली मूवी बनाई है, चलो अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर जो है जो भी ये मूवी बनाई गई और जो भी स्टोरी जो किया गया, और इसमें राज मेहता ने जो डायरेक्शन किया काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा। पहले ही मूवी में उन्होंने इतना अच्छा डायरेक्शन किया, मैं मानूंगा उनको कि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कमी नहीं, उन्होंने मूवी बहुत सही उन्होंने डायरेक्शन किया। अब रह गया इसमें जो है कॉमेडी जो है इंटरवल तक सही है, लेकिन मुझे जो है मूवी जो जब अक्षय कुमार रोते तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी रो दिया। अब रह गया ये जो मूवी जो है छोटी मूवी है, 2 घंटा जो है 14 मिनट की मूवी है, और ये जो है कुछ साल पहले जो है मूवी, जैसे कुछ मूवी के अंदर कुछ गलत है, कुछ अलग है चीज़ है, तो उसके अंदर क्या लिखा रहता था ऊपर, सिर्फ वयस्कों के लिए ऐसा लिखा रहता था, सिर्फ 18 साल के बच्चे लोग को देखना चाहिए। तो इस मूवी को जो है मियां बीबी को ही खाली देखना चाहिए, छोटे बच्चे लोग को ये मूवी में ना लेके जाएं, नहीं तो उनको जो है गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको जो है मूवी में नहीं बोलेंगे, लेकिन मूवी के देखने के बाद जो है बाहर जाने के बाद जो है घर पर जाने के बाद सिर्फ बोलेंगे मम्मी पापा वो बेड के ऊपर कौन था मम्मी, वो डॉक्टर क्या कर रहा था मम्मी, ये सब बोलेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगा कि 5 साल और 6 साल 7 साल के बच्चे लोग को ना ले जाएं, और उनको जो है ये पूछने पर ना मजबूर करें ये क्या है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ले मूवी मत देखो, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, मूवी आप देखो, लेकिन छोटे बच्चे लोग को मैं यही चाहूँगा नज़रअंदाज करें, उनको ना ले जाएँ, मियाँ भी जाएँ, बच्चे लोग बड़े 18 साल के ऊपर हैं। क्योंकि आजकल जो है प्रचार करते हैं कि परिवार नियोजन, तो आजकल बच्चे लोग 18 साल के ऊपर वाले लोग को लेके जाइए, ज़रूर है, लेकिन छोटे बच्चे लोग के लिए मैं इसके लिए मना करूंगा। और रहेगी मूवी की बात, तो मूवी जो है जबरदस्त बनाई है, मुझे अच्छा लगा। मेरे दर्शक जो है बंबई छोड़ अगर चुके हैं, बाहर चले गए हैं, नहीं है बंबई में, तो मैं यही चाहूंगा जहां भी हैं, ये अक्षय कुमार के हमारे जो सुपर स्टार की मूवी लग चुकी है, कहीं भी हैं, फैमिली के साथ गए हैं, तो मैं यही चाहूंगा जो भी हो आप ये मूवी देखिए। और जो है मैं यही चाहूंगा कि इसका बजट बढ़ाइए, और कम से कम ये मूवी का 200 करोड़ रुपया इसको जो है होना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय कुमार का भी जो है मतलब है उनका ये था है, मतलब है विजन था, मतलब लास्ट में मैं आकर के 200 करोड़ कमा चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा पूरे दर्शक को, नहीं भी हैं तो जाके देखिए, और मैं यही चाहूँगा कि उनका जो ख्वाब है 200 करोड़ पूरा हो जाए, क्योंकि उनको जो है ऑटो वाला अंकल का जो है बात पर विश्वास नहीं, उनके ऊपर बात का विश्वास है। इसीलिए मैं चाहूँगा हर एक दर्शक और मेरे चाहने वाले को चाहूँगा कि अक्षय कुमार सुपर स्टार जो है हमारे अक्षय कुमार जी का ख्वाब पूरा करें, और इस मूवी को भी जो है 200 करोड़ नहीं पार करे तो कम से कम जो है 80 करोड़ में ये मूवी बनी है, तो कम से कम 100-125 कर दे, कम से कम हिट कर दो, ये तो करो। गुड न्यूज़ का असर पड़ेगा दबंग 3 पे आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वो फैमिली ड्रामा है और ये जो है एक्शन मूवी है, एक लात मारो पूरी ऑडियंस से आवाज़ आती है, और यहाँ पे क्या है जब आप हंसाएंगे तो उसमें से
कुछ को अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ वो दूसरे को गाली देगा अपने मन में, ये काहे के लिए हंस रहा है, ऐसे बोलेंगे काहे के लिए, ये कोई हंसने का सीन है क्या, तो सबको अच्छा नहीं लगता वो इसी मूवी। इसीलिए जो है दोनों मूवी में जो है जमीन आसमान का फर्क है, वो फैमिली ड्रामा है और जो है गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मतलब हर एक घर के अंदर मतलब जब खुशी आती है इसके लिए उसका नाम रखा है गुड न्यूज़। और ये जो है इसके ऊपर जो है हमारे अक्षय कुमार जी खरे उतरे हैं। अब मैं यही चाहूँगा कि अक्षय कुमार जी है ये गुड न्यूज़ को कहाँ तक लेके जाते हैं, 200 करोड़ पार होता है कि नहीं होता है ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ मेरे दर्शक लोग को बोल के और उनको जो है मना के यही मैं कहूँगा कि कम से कम मेरे तरफ से 100 करोड़ की गारंटी है, 200 करोड़ की गारंटी नहीं है। 5 में से जाते जाते कितना देंगे? 4 स्टार दूंगा। और हमारे जो सुपर स्टार जो हैं आज तक जो है जो अपना केसरी 150, फिर उसके बाद मिशन मंगल 220, फिर उसके बाद जो है हाउसफुल 4 जो कि फ्लॉप कर दिए थे क्रिटिक लोग, मैंने ही 6 दिन आ करके मुंडी घुसड़ घुसड़ करके हिट किया और आज जो है 200-250 करोड़ के ऊपर गया, तभी भी आपके समझ में नहीं आया। तो इसके लिए अब ये जो है मैं आपका मूवी जो है चाहता हूँ कम से कम 100 करोड़ के ऊपर पार हो जाएगी तो मैं साल भर तक चैन से जीऊँगा और रिव्यू दूँगा, और 200 करोड़ हो जाएगी तो बहुत चैन से जीऊँगा और आराम से एकदम फटाफट रिव्यू दूँगा। अगर 200 करोड़ नहीं हुआ तो साल भर तक मुझे टेंशन रहेगा। क्यों टेंशन रहेगा? क्योंकि ये हमारे एक स्टार का जो है 200 करोड़ ख्वाब पूरा नहीं हुआ और मेरे बोलने के बाद भी मुंडी घुसड़ दिए, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। 100 करोड़ का गारंटी है मेरे तरफ से, चाहे 2 हफ्ता चले चाहे 1 हफ्ता चले। और रहेंगे मेरे दर्शक को, जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं यही चाहूँगा कि आप निराश मत होगे, ये मूवी जाके देखिए 4 स्टार मूवी को। और हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं इतने अच्छे एक्टिंग किए, जबरदस्त जान डाला इस मूवी में, उनको 5 स्टार। थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच।